देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फतेहपुर जिले में एसपी के निर्देशानुसार चोरी लूट डकैती करने वाले अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को फतेहपुर पुलिस के खाते में एक और बड़ी सफलता जुड़ गई है। स्वाट टीम और मलवा पुलिस की टीम ने डकैतों के एक गैंग के 6 सदस्यों को मलवा थाना क्षेत्र के मोनी मठ निकट आदमपुर घाट से मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। इनके पास से 11 मोबाइल फोन, अवैध असलहे, चांदी के जेवर, 20,500 रुपये नकद व कई अन्य कीमती सामान बरामद हुए हैं। एसपी ने यह बताया कि गैंग का सरगना पप्पू यादव समेत 4 फरार हैं। फरार बदमाश पप्पू यादव पर 25,000 का भी इनाम घोषित कर दिया गया है। देखिए, ये जनपद में कई घटनाएं हुई थी जिसमें चोरी लूट और डकैती की कुछ घटनाएं हुई, जिसको कि आज स्वॉट की टीम के द्वारा, मलवा टीम के द्वारा, इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें 6 लोगों को पकड़ा है और इनके पास से भारी बरामदगी हुई है। इसमें करीब 11 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 20,500 रुपये बरामद हुए हैं और इसके पास से 3 तमंचे।